वरुण, अब लोगों को जो सड़क, पानी और बिजली की समस्याएं हैं और लंबे समय से अमरोहा में इस तरह की समस्याएं हैं, तो सांसद का चुनाव या फिर विधायक का चुनाव और पार्षदी का चुनाव, ये सारे चुनाव अलग अलग होते हैं और लोकल इश्यूज जो हैं वो जनरली पार्षद और विधायक एड्रेस करते हैं, लेकिन सांसदी के चुनाव में भी ये मुद्दे अगर अहम हैं तो किस तरफ ये इशारा है वरुण? देखिए, नाराजगी जब होती है नेताओं से तो फिर कोई भी निशाने पर आता है, और फिर शायद ये सोचा जाता है कि निगम पार्षद या फिर विधायक या फिर सांसद सबकी सब जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ाव रखने की वजह से ये काम नहीं हो पा रहे, तो परेशानी की वजह का कारण वो लोग हैं, और इसी हिसाब से जनता अपने मत का प्रयोग करती नज़र आती है। हम ये ज़रूर कहते हैं कि राष्ट्रीय चुनाव है, राष्ट्र की बात है, प्रधानमंत्री को चुनना है, लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में उसी हिसाब से मत का प्रयोग ज़रूर करेंगे, लेकिन लोकल मुद्दे इस बार ज़्यादा हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं। और शादी में जाकर मैं आपसे पूछूँ तो अगर यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं तो उन परिस्थितियों के हिसाब से आपको क्या लगता है कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं आपको? बड़ा मुद्दा, सबसे अहम मुद्दा रोजगार। नौजवान यहाँ पर डिग्री हाथों में लेकर आज ई रिक्शा चला रहा है। नौजवान डिग्री हाथों में लेकर ई रिक्शा चला रहा है, ये हालात इस दौर में आ गई है। रोजगार अगर होगा तो बिजली की समस्या भी यानी कि कम हो जाएगी, क्योंकि वो इन्वर्टर लगा लेगा अगर उसकी जेब में पैसे होंगे। फिर हालात और इतना खौफजदा माहौल कर दिया गया है कि लोग कुछ कहते हुए भी डरते हैं, टेंशन रहती है। कुछ और लोग भी मेरे साथ हैं यहाँ पर, वोट डाल दिया आप लोगों ने? क्या इस बार के मुद्दे रहे? दो मिनट में बुला दीजिए, क्या क्या मुद्दे रहे दिमाग में इस बार? दिमाग में क्या क्या चीजें थी, क्या परेशानियाँ थी, क्या दिक्कतें थी? कोई नहीं, आप ये है हमारे इकबाल भाई, आप बताइए, आप अपने मत का प्रयोग करके आए, क्या दिक्कतें रही? कुछ नहीं, सब सही चल रहा है। तो संकोच भी है, कई बार गरिमा लोग बोलते हैं, कई बार नहीं बोलते हैं, लोग नहीं चाहते, और ये सही भी, सीक्रेसी ऑफ वोट नहीं क्या कह गया तो समझिए इशारा कुछ और है। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आई वो ये कि बेरोजगारी भी मुद्दा है, और जहाँ पर मैं अपने और बाकी सहयोगियों को भी देख रही हूँ, अंकुश भी मेरे